हेलो साईं, सैरी है इतने सैरी। यार ये तो सीन बहुत खराब है, लाइट अपना टाइम थोड़ा है और भाई कह रहे हैं कि बूफे लो, 900 रुपए का बूफे है भाई, इतना महंगा कौन खाएगा। सैरी करेंगे, अल्लाह करे वहाँ पे हमें जगह मिल जाए, वहाँ बैठने की जगह मिल जाए, देखें क्या होता है भाई आज की सैरी। बड़ी बड़ी एडवेंचरस सैरी है हमारी। प्रेजेंटेशन तो यूनिक है माशाल्लाह। चने चने कैसे हैं? बेहतरीन है माशाल्लाह। 520। पहले दिन मैंने कुरान मजीद स्टार्ट किया था तो एक घंटे में मैंने एक पारा किया था, और आज मैंने तकरीबन 50 मिनट में या 45 मिनट में एक पारा कंप्लीट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद घर से होंगे, फिट फाट होंगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय चैनल। यार ऐसा लग ही रहा कि रात के आपके 3:34 हो चुके हैं, मतलब फुल टाइम हल्ला गुल्ला। यहाँ पे लोग रोड पे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं और यहाँ पे खाना पीना और हर चीज़, मतलब फुल माहौल चल रहा है। हम चल रहे हैं आज बाहर से सहरी करेंगे, आज हम बाजारी सहरी करेंगे। हमारा प्लान ये है कि फरीदगढ़ के अंदर जाएं और अंदरून बाज़ार से कुछ सहरी का लिए कुछ अगर अच्छा हमें मिलता तो फिर हम वहाँ पे मतलब एक्सप्लोर करें और कुछ खाएं। अभी हमारा कोई प्लान नहीं है क्या खाना है, जो मिलेगा देखेंगे। तो देखते हैं फरीदगढ़ के अंदर जाके देखते हैं। ये भाई सहरी की तैयारियां हो रही हैं। हेलो साईं, सहरी है इतने सहरी करा है? सहरी करा है। क्या प्राइस है? 900। और वैसे अगर मेन्यू वगैरह दिखाएंगे अगर विदाउट? 3:42 हो चुके हुए हैं और इस टाइम शहर में हम गए हैं और फुल मतलब जैम था, मतलब वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी। हम आए हैं यहाँ पे, इसको अब तंदूरी बोलते हैं, पहले इसको शाहजहान बोलते थे। बूफे है इसका 900 रुपये में, सहरी बूफे 900 में पर हेड। फरीद गेट अंदरून बाज़ार में भाई फुल जैम था, फुल रश था। तो हमने प्लान किया कि यार ये ना रोज़ा रह जाए, हम यहाँ पे आए हैं तंदूरी रेस्टोरेंट, यहाँ पे बूफे लगा हुआ है 900 में। और बस भाई को ऑर्डर कर, यार हम ऐसी चीज़ें नहीं खाएँ, आप मतलब सहरी टाइम में कोई दही इस टाइप का कुछ, लस्सी इस टाइप का कुछ मिल जाएगा? लस्सी मिल जाएगी, सिर्फ लस्सी। वो रोटी खा खाएंगे क्या? वो दही तो पड़ी है ना, वो दही तो पड़ी है आपको? यार ये तो सीन बहुत ख़राब है, लाइट अपना टाइम थोड़ा है और भाई कह रहे हैं कि बूफे लो, 900 रुपये का बूफे है भाई, इतना महंगा कौन खाएगा। और इनके मेन्यू में वो सीन है नहीं जो बूफे में है, तो देख लें अगर कुछ हो सकता है तो। नहीं पॉसिबल नहीं है, कोई पॉसिबल नहीं है यार। रहने ये तो अपना टाइम। तंदूरी रेस्टोरेंट में हम रुके थे और वहाँ पे हमने पूरी उम्मीदों के साथ हमने कहा भाई यहाँ पे हमें कुछ मिल जाएगा। अभी बज रहे हैं 4:10 रह गए और बाकी मेरे ख्याल से कुल मिला के कोई 30-35 रह गए इफ्तारी ख़त्म होने में। तो आई होप कि अभी तो सन्नाटा में नज़र आ रहा है रोड्स पे। अभी हम जा रहे हैं किबाब पाशी, मतलब मैं किबाब शेख, लेकिन उसका नाम है किबाब सी। उधर की हमने सुना है कि वहाँ का रेट भी मुनासिब है और बने मिल भी जाएगा हमें, तो फिर हमें चाहिए ज़रा मतलब कम चाहिए खाना, क्योंकि सहरी है। और ये भाई दे रहे थे कि अभी आप कढ़ाई देंगे, आपको दही नहीं देंगे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है कि सहरी बगैर हम दही के करें। एनीवेज अभी हम चल रहे हैं भावलपुर की सड़कों पे और की वापसी जाके हम इंशाल्लाह आज हम सहरी करेंगे, अल्लाह करे वहाँ पे हमें जगह मिल जाए, वहाँ बैठने की जगह मिल जाए, देखें क्या होता है भाई आज की सहरी। बड़ी बड़ी एडवेंचरस सहरी है हमारी की वापसी। अल्लाह करे यहाँ पे भी हमें कुछ काम। किबाबसी पे अभी फाइनली ऑर्डर कर दिया, एक चना, दो लस्सी, चपातियाँ, चने और ये चीज़ें मंगवाई हैं हमने। अब देखते हैं टोटल बिल कितने का बनता है। वहाँ बन रहा था 900 रुपये का एक बंदा, 1800 रुपये की सिर्फ सहरी। Oh,
वाह प्रेजेंटेशन तो यूनिक है माशाल्लाह। ये चने, ये अंडा, ये दही, ये चीनी और ये प्लेट्स, इसमें हम खाएंगे। ये प्लेट्स फुल टाइम माशाल्लाह ज़रा मतलब गरम गरम लग रही हैं। वाह चने चने कैसे हैं? बेहतरीन है माशाल्लाह। इनकी यूएसपी है मिट्टी के बर्तन। भाई यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ मिलेगी ना मिट्टी के बर्तन में मिलेगी। अभी हमने इफ्तारी कर लिया, टाइम हो रहा है कुछ 4:19, बाकी मेरे ख्याल से कोई 11-12 रह गए सहरी ख़त्म होने में। तो भाई मज़ेदार थी, बेहतरीन, जैसे खालिस बोलते हैं ना, खालिस दही मिली हमें, खालिस। अभी ये लस्सी भी पड़ी है, लस्सी पियेंगे और चने। और जो इनका प्रेजेंटेशन का थीम सीन था ना यार, मतलब उसी के सारे पैसे, बहुत ही खूबसूरत सा एम्बियंस दिया हुआ इन्होंने। और लकड़ी की चेयरें, लकड़ी की टेबल, मिट्टी के बर्तन में आपको खाना सर्व करते हैं भाई। और क्या चाहिए आपको भाई, मज़ेदार। मतलब इसमें 10 में से 10 नंबर हैं या 10 में से 9 कर लें बस, कि बाप पासी है इसका नाम या कुछ भी है, यहाँ पर आ सकते हैं चीमा टाउन पर। और अभी देखते हैं बिल कितना बनता है, बिल बताते हैं आपको क्या सीन है। ये सारा पी के ना फिर आपको बिल का बताते हैं इतने का बिल बना है। और वहाँ पे 900 का था और वो हमें एक्सेप्ट कुछ भी नहीं दे रहे थे यार, उनका कमाल नहीं हो गया। सहरी का टाइम था और कहते हैं 4 बजे से पहले आप दे दें, बाकी 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट के अंदर आप हमें ऑर्डर दे दें और 4 बजे के बाद हमारा होटल बंद। मैंने कहा भाई ये फंस गए यार, अगर कहीं और भी मैं ना मिला तो बस हमारी सहरी गई। एनी वेज यहाँ पर सहरी मिल गई हमने, फिर मतलब मज़ेदार करके खा लिया। एक पराठा मंगवाया था, एक चना मंगवाया था, दो पराठे, एक चना, एक अंडा, दो दही और दो लस्सी। 4:30, बाकी 2 से 3 मिनट रह गए और टाइम फॉर सहरी ख़त्म। नियत वबिसौमी गदिर नवई तुम इन शहरी रमज़ान। 520 भैया बिल बनाए, 520 और मतलब वर्थ इट है। मतलब जो यहाँ पे प्रोटोकॉल और जो जिस हिसाब से खाना हमें मिला है ना, मतलब सहरी हमें जिस हिसाब से सर्व किया भाई, वर्थ इट है। मज़ेदार, शानदार और प्रेजेंटेशन एक नंबर, वर्थ इट है भाई। अगर आप बाउल पर आए हुए हैं तो फिर यहाँ पे आ सकते हैं। किबाब की वापसी कुछ नाम है इसका, कि बाप पाशी कुछ बोलते हैं, कोई वापसी बोलते हैं, मतलब चीमा टाउन पर यही मशहूर है। एम्बियंस वर्थ इट है भाई, यहाँ पे आए पिक्चर वगैरह लें। अभी टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के निकलेंगे घर। और गर्मियों की शिद्दत स्टार्ट हो गई है भाई, गर्मियों की जलवा। जुम्मा का टाइम हो रहा है 1:45, टेम्परेचर 42। हमारा छठा पारा ख़त्म हो गया, आज छठा रोज़ा था, अभी इफ्तारी होने वाली है और छठा पारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीट हो गया, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के मेहरबानी से। आज जुमा तो मुबारक का दिन था, मतलब मैं जुमा पढ़ के आया था, मैंने कहा कुरान पढ़ूंगा, फिर मतलब मेरी आँख लगी। असल की नमाज़ पढ़ के मैंने कुरान मजीद तिलावत की है, अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन अच्छी जा रही है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करम है। जब पहले दिन मैंने कुरान मजीद स्टार्ट किया था तो 1 घंटे में मैंने एक पारा किया था और आज मैंने तकरीबन 50 मिनट में या 45 मिनट में एक पारा कंप्लीट कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जैसे जैसे रूटीन बनती जा रही है वैसे ही आसानी होती जा रही है। एनीवेज ये था व्लॉग, ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह بذكر الإله تطيب الحياة خسارة